Assalamu alaikum, beautiful people. Hope you guys are doing well, having a great time. Today I'm here with another exciting opportunity, which is US Fulbright Scholarship. And this is for Pakistani students, so the video will be in Urdu. So if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly subscribe to my channel, press the bell icon so that you don't miss opportunities. DAT, UST, 5th, WF Youth Forum, ILO Internship, Summer School, Scotland Scholarship. बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं मैंने अपलोड की हैं, ये सब आप लोग के लिए की हैं. आप लोग देखिए जिन जिन पर आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पर ज्वाइन करने के साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. तो US Fulbright Scholarship, जिनको पता है कि US Fulbright Scholarship क्या है वो तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूँ आप सब उसके लिए रेडी भी होंगे. और जिनको नहीं पता तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि US Fulbright Scholarship दुनिया की बेहतरीन स्कॉलरशिप्स में से एक स्कॉलरशिप है, जो USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, आपको फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी देती है स्टडी करने के लिए, मास्टर्स के लिए और PhD के लिए. इसका क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा टफ होता है, वो काफ़ी मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप्स देते हैं. अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है या आप अप्लाई नहीं कर सकते. उनकी अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करें तो आप डेफिनेटली उस पर अप्लाई कर सकते हैं. तो जल्दी से शुरू करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तरीक़ेकार क्या है. ये लोग अब इन्होंने मतलब बेसिकली ये इन्होंने अपना USAID के साथ, USA की तरफ से USAID और पाकिस्तान में HEC आपस में कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है, और ये पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को भिजवाते हैं अमेरिका वहाँ पर स्टडी करने के लिए. इस बार 130 फुल ब्राइट स्टूडेंट्स जाएंगे, ठीक है, और 25 PhD स्टूडेंट हर साल वो भी अलग से जाते होते हैं, ठीक है. तो इसके अपना एक क्राइटेरिया सा इन्होंने डिसाइड किया हुआ है. होस्ट कंट्री हमारे पास USA, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि USAID हमारे पास फंडिंग कर रही है, मास्टर्स और डॉक्टोरल डिग्रीज हैं हमारे पास, सारी की सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं सिवाय क्लिनिकल मेडिसिन के. और इसके अलावा वैल्यू की बात की जाए तो भाई सब कुछ फुली फंडेड है, कोई ख़र्चा करने की किधर भी ज़रूरत ही नहीं है. ट्यूशन, टेक्स्ट बुक, एयरफोर्ड, लिविंग स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा फ़ीस, कंप्यूटर सेटिंग अलाउंस, फुल ब्राइट मतलब ये एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, कमिटेड टू रिटर्न एंड सर्विंग पाकिस्तान आर वेलकम टू अप्लाई. ये तब की बात है जब आप सेलेक्ट हो जाएं तो आपसे बॉन्ड साइन करेंगे, तो ये बात की बात है. ऑल डिसिप्लिन्स विदाउट क्लिनिकल मेडिसिन. फॉर मास्टर्स डिग्री आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है. PhD के लिए सेम गोज़, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा, GRE क्या होता है? GRE रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है. यहाँ पर GRE, TOEFL, GMAT, IELTS, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं और इनकी कैसे ज़रूरत पड़ती है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता हो. अगर आप लोगों को नहीं पता और आप लोग चाहते हैं कि ये मतलब ये एक अलग टॉपिक है, आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूँ आप लोगों को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा. मैं इस पर भी इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द वीडियो बना के आप लोगों की मदद करूँगा. तो यहाँ पर GRE ज़रूर चाहिए हमें, ठीक है. 138 स्कोर हमें चाहिए क्वांटिटेटिव में, वर्बल में हमारे पास 136 चाहिए, इसी तरह एनालिटिकल में भी चाहिए, और जिसका स्कोर मेंशन नहीं है तो शॉर्ट लिस्टेड को जी बताया जाएगा. और वो TOEFL की सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, रिज़ल्ट वो इंटरव्यू के टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, रिज़ल्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है. ऑलरेडी आपने TOEFL अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है. दोज हु हैव डन MBBS कैन अप्लाई फॉर रिसर्च फोकस फील्ड्स सच एज पब्लिक हेल्थ. अप्लाई कैसे करना है, तरीक़ेकार क्या है, ये सारी फिल्म है. अच्छा, मैं बताता हूँ. 13 मई जो है हमारे पास लास्ट डेट है अप्लाई करने की. अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है. दिस इज़ अ नेशनल प्रोग्राम, हाउएवर वुमन पीपल विद डिसेबिलिटीज इंडिविजुअल फ्रॉम फाटा खैबर पख्तूनख्वा AJK गिलगित बल्तिस्तान बलोचिस्तान नॉर्दर्न सिंध साउदर्न पंजाब हाईली इनक्रेज टू अप्लाई. तो ये बहुत अच्छी बात है. और अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने सिंपली इस रेड बटन पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ. इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन अप, ये पेज नहीं होगा बेसिकली. इस पर क्लिक करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कौन सा पेज ओपन अप होगा. ओके, तो
ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास थोड़ी सी इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बताई हुई है एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी के बारे में। इस सबको आप पढ़िएगा तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी दूर हो जाएंगे। फुल बाइट इस पर आपने क्लिक करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पर आपने क्लिक करना है। आपके पास जो पेज आएगा वो फैक्स से ओपन होगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। तो जितने भी आपकी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मतलब सब का सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इसके अलावा आप फिर इसके एंड में ये सब कुछ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़िए। पढ़ने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस और CNIC वगैरह डालकर सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस किस्म का पेज आपके सामने आ जाएगा ये। तो इसके बाद आपने सिंपली ईमेल एक रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद आपने यहाँ पर वो कर देना है, मतलब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। और ये करने के बाद आप लोगों ने ये इन्होंने कुछ और भी आपको डिटेल्स वगैरह बताई हुई हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सब इनको एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले पढ़िएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं आगे आपको डायरेक्ट इसकी टिप्स देता रहूँगा जहाँ जहाँ पर भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आपने नेम से शुरू करना है, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। ये सारी आसान डिटेल्स हैं, ये आप बहुत आसानी से इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जब हम लोग स्टडी प्लान्स पे आएंगे तो स्टडी प्लान्स में आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए या PhD के लिए। आपकी प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है। और वो जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे, फिर जैसे फॉर एग्जांपल बॉटनी, तो बॉटनी के अंदर फिर क्या है वो आपने यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है उस चीज़ की। फ्यूचर प्लान्स क्या है, ठीक है, फ्यूचर प्लान्स आपने यहाँ पर अपने डिस्क्राइब करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने लिमिट वर्ड के अंदर ही रखना होता है, और लिमिट वर्ड को रखने के साथ साथ आपने कोई बचकाना बातें यहाँ पर नहीं करनी होती हैं। आपने प्रोफेशनल तरीके से उनको इस चीज़ पर आमादा करना होता है कि जी हम क्यों इसके काबिल हैं और आप क्यों हमें इस पर सेलेक्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस पर आपने काफ़ी काम करना है टेस्ट के साथ साथ और वो जो भी और रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। एजुकेशन की डिटेल्स में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर में, मतलब छोटे से शुरू करना है, ठीक है। और लिस्ट स्कॉलरशिप, आपने कोई स्कॉलरशिप ली हो, फेलोशिप ली हो, इसी तरह ऑनर्स, कोई एकेडमिक हो, बुक्स हो, आर्टिकल्स हो, पब्लिकेशंस हो, प्रोफेशनल सोसाइटीज़ कोई ज्वाइन की हो, टीचिंग एक्सपीरियंस हो, रिसर्च एक्सपीरियंस हो, ये सारी डिटेल्स वगैरह आपने यहाँ पर इंटर करनी है। इसके साथ साथ फिर आगे ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो भी एक्सपीरियंस आपने रिसीव किया है उस एक्सपीरियंस की डिटेल्स आपने डालनी है। आपका जो करंट स्टेटस है वो स्टेटस आपने यहाँ पर डालना है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई पोस्ट है आपकी, वो सब कुछ डालना है, एक्सपीरियंस डालना है, मदर टंग डालनी है। इसके बाद इंग्लिश की अपनी रेटिंग देनी है। ऑब्वियसली कम से कम आपको मतलब फेयर तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फेयर को रखने के साथ साथ आपने यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद आपने एग्जामिनेशन रिजल्ट्स पर आ जाना है। एग्जामिनेशन रिजल्ट्स पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपने अगर IELTS TOEFL GMAT दिया हुआ है तो दैट्स वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है, आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। बट GREs मैंडेटरी, GRE का स्कोर आपने डालना है, एनालिटिकल क्वान्टिटेटिव वर्बल स्कोर आपने अलग से डालना है, सारी वो डिटेल्स वगैरह यहाँ पर डाल के GRE सब्जेक्ट एग्जाम डेट मंथ स्कोर परसेंटाइल ये सब कुछ करना है। और अगर आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया है आउटसाइड द कंट्री फॉर रीजन विच माइट बी एजुकेशन, रिसर्च और बिजनेस, तो ये आपने यहाँ पर वो अलग से डालना है। और इसके बाद वो डालने के साथ साथ आप जब आप नेक्स्ट पर आएंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वेदर अगर आपके पास कोई होम कंट्री में है वेरी वेल ऑब्वियसली होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में है तो उसके भी आपने टेलीफोन नंबर और जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपने यहाँ पर इनपुट कर देनी है। स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा
ये क्वेश्चन जो हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा है कि इन क्वेश्चन पर आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन एंड इट इज़ रिक्वायर्ड, डू नॉट मेंशन स्पेसिफिक यूएस यूनिवर्सिटीज़ एट विच यू वुड लाइक टू स्टडी। तो इधर इन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके सेलेक्शन और रिजेक्शन में। आपने बहुत अच्छे से नंबर लिए हुए हैं, लेकिन आपकी ये पर्सनल स्टेटमेंट, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये अगर मोटिवेट नहीं करता, ये अगर आपको मैच नहीं करता आपके क्रेडेंशियल के साथ, ये आपका बहुत वीक है, तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इन पर आपने बहुत काम करना है। आपने गूगल से कहीं से कॉपी नहीं करना, आपने आइडिया ज़रूर ले लेना है। कॉपी करेंगे तो पकड़ा, मतलब वो रिजेक्शन के चांस होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये गूगल से के किस वेबसाइट से कॉपी हुआ हुआ है। और इसके अलावा आपने इन पर आइडिया ले सकते हैं डिफरेंट जगहों से, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप कॉपी कर लें, ठीक है। और पर्सनल स्टेटमेंट की बात की जाए तो पर्सनल स्टेटमेंट भी वैसे ही है कि जी आपने अपनी स्टेटमेंट देनी है कि आपका क्या सीन था, आपका क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, स्टडीज़ एक्सपीरियंस और आपके गोल्स कैसे लिंक करते हैं, आपकी क्या इंटेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और इस पर आपने काफ़ी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप काम कीजिए, वर्कआउट कीजिए और इतनी आसान मत लीजिए इन चीज़ों को। आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो टोटल रिजेक्शन का क्राइटेरिया होगा। रिज्यूमे वगैरह आपने प्रोफेशनल और एक बेहतरीन किस्म का अपलोड करना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, डिग्री अपलोड करनी है, GRE स्कोर अपलोड करना है, टेस्ट स्कोर्स अपलोड करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, तो आपको सब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि IELTS और TOEFL इस वक्त मैंडेटरी है या नहीं है, ठीक है। इस वक्त सिर्फ आपका GRE मैंडेटरी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी मेलिंग एड्रेस दे देना है, ठीक है, अपना NIC नंबर, मार्शल स्टेटस, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो वो वगैरह दे देनी है। इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप आपने रिसीव की हो तो उसकी डिटेल्स वगैरह दे देनी है, ठीक है। इसके अलावा रेफरीज़ की बात की जाए तो रेफरीज़ के लिए इन्होंने दो मेथड चूज़ किए हैं, एक तो ऑटोमेटिक जनरेटेड ईमेल्स के थ्रू और दूसरा ये कि आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ साथ आप अपने टीचर को दे सकते हैं, उससे मैनुअली कंप्लीट करके ईमेल करवा सकते हैं, दोबारा स्कैन करके इस एड्रेस पर या कोरियर के थ्रू इस एड्रेस पर भेज भी सकते हैं। तो ये रेफरीज़ जो हैं ये मैंडेटरी हैं, ये आपको ज़रूर करने हैं और इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट होगी। और प्रपोज लेंथ ऑफ स्टडी इट डिपेंड्स कि आपने मास्टर्स चूज़ किया है या PhD चूज़ किया है, ठीक है। हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस ईयर फुल ब्राइट कॉम्पिटिशन, ठीक है। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द US गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लिस्टेड बिलो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू इफ हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड और नॉट, दीज आर ऑल द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और ऑथराइजेशन ऑफ रिलीज इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ये भी हो गया। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास बेसिकली आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि प्लीज़ स्किप दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल। और फिर इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर यस दिस सेक्शन इज़ ऑप्शनल। तो ये अगर आप करना चाहें तो वेरी गुड, और अगर नहीं करना चाहें तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके फंड्स काफ़ी लो हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा हाई हैं तो तब आपको करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके फंड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो तब भी आपको ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये उनको सेलेक्ट करेंगे जो थोड़ी सी गरीब आवाम है, ठीक है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ऐड करना है। बहुत सारी लिस्ट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे पास पार्टिसिपेट कर रही हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। और इस तरह नंबर आपने ऐड करना है, 3 चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है, प्रेफरेंसेस फ्रॉम 1, 2, 3, ठीक है। और आपने ऐसे ही आसानी से कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर देनी, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, आप चाहिए एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कीजिए और अपने प्रोग्राम्स वगैरह ढूंढिए, आपको मिलते हैं, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी आप उसके क्राइटेरिया से मैच करते हैं या नहीं, ऑब्वियसली आप GRE दे दें, GRE में अच्छे स्कोर कर लें, ठीक है, तो आप इनके क्राइटेरिया से मैच कर लेंगे, ठीक है। तो आप इनके बारे में रिसर्च कीजिए, उस यूनिवर्सिटी की देखिए कि वो किस उसमें है, मतलब
शहर में है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ की वो मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कुछ मैच होती हैं। तो इस तरह वन बाय वन करके तीन यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कीजिए, स्पेशलाइजेशन वगैरह, स्पेसिफिक रीजंस एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्यों इसको फिर सेलेक्ट किया है, वो वजह भी आपने बयान करनी है, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अदर इंस्टीट्यूशन इन विच यू मे बी इंटरेस्टेड, प्लीज़ लिस्ट एनी अदर इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट्स इन विच यू ऑल्सो मे बी इंटरेस्टेड। अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट देर इज़ नो गारंटी दैट योर एप्लीकेशन विल बी सेंड टू दिस प्रोग्राम्स, ठीक है। साफ साफ बात है, वही बता दी है उन्होंने कि गारंटी ही नहीं है इंस्टीट्यूशंस, ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी गारंटी है, ये जो थ्री प्रेफरेंसेस आपने दी हैं तो इसमें ऑब्वियसली आपको आपका चांस होगा, आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी। इंस्टीट्यूशंस टू विच यू हैव अप्लाइड, ठीक है, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू विल हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू यूएस इंस्टीट्यूशंस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एन एप्लीकेशन डायरेक्टली टू एनी यूनिवर्सिटी इन द यूएस ओवर द पास्ट 3 years, लिस्ट द नेम्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड इंडिकेट द रिस्पॉन्स यू हैव रिसीव्ड इफ एनी। अगर आपने कोई एप्लीकेशन यूएस में सबमिट कराई है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स दीजिए, रिस्पॉन्स उनका बताइए, डेट बताइए एप्लीकेशन की, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपका ये फुल ब्राइट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन इंस्पेक्टर अभी यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो ग्रीन कलर का कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट करने के साथ साथ आपको सबमिट का बटन भी मिल जाएगा यहाँ पर ही, जहाँ पर मेरा कर्सर है अभी। तो दैट्स इट, ये तकरीबन सीन है सारा। तो इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि GRE क्या है, कैसे इसके लिए तैयारी करें, IELTS, TOEFL, GMAT ये सारी क्या चीज़ें हैं, हम लोगों को किस कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो भी आपके सारी कन्फ्यूजन्स हैं आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर आप लोगों की जितनी हो सकी मदद करूँगा और इस पे वीडियो भी बनाऊँगा अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ इन दी एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोसीजर एंड दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड टैग दोज मेट्स हु यू विश टू स्टडी एट अ यू एस यूनिवर्सिटी एट दिस फुल ब्राइट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।